राजधानी हैदराबाद से करीब 250 किलोमीटर और वारंगल से करीब 80 किलोमीटर दूर तेलंगाना के मुड़ुगु जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है मेडारम। चारों तरफ से जंगल के बीच में बसा मेडारम मुख्य रूप से कोया जनजातियों का निवास स्थान है। कोया जनजाति के लोगों की बहादुरी और धार्मिक अनुष्ठान के प्रति उनका समर्पण उन्हें भारत में रहने वाले 700 से ज्यादा जनजातीय समुदायों में एक अलग पहचान देता है। इस जनजाति की एक और खास पहचान है भव्यता और आनंदमय जीवन शैली। पूरी तरह आनंद में डूबे जनजातीय संगीत पर थिरकते कोया जनजाति के ये सदस्य एशिया के सबसे बड़े आदिवासी उत्सव मेडारम जात्रा की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वे पूरे 24 महीने तक इंतजार करते हैं। इस उत्सव में शामिल होने के लिए देश भर से सैलानी और श्रद्धालु यहाँ इकट्ठा होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर का सफर कर इस यात्रा में शामिल होने के लिए मेडारम पहुंचते हैं। People call it South India Kumbh Mela. Pilgrims to the tune of 1 to 1.5 crores will be visiting this shrine in a span of 40 days. कुंभ मेले के बाद मेडारम यात्रा देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। ये उत्सव 4 दिनों तक चलता है। इसमें शामिल होने वाले श्रद्धालु पूरे 4 दिनों तक मेडारम में रहते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना के बाद खुद के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। The Samakka Saralamma Medaram Jatra is one of the most famous tribal festival in the world. This festival and the congregation of devotees exemplifies the cultural values and ethos of India. हालांकि शुरू से ही ये उत्सव बड़ी संख्या में देश के अलग-अलग इलाकों की जनजातियों और आम लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ी है। This year, on an average, 1.5 lakh pilgrims have visited this shrine, especially on Wednesdays, Fridays, Sundays, and on public holidays. The peak crowd crossed 3 lakhs. गांव के बाहरी किनारे पर गोदावरी की सहायक नदी जामपणा वागू के तट के आसपास के पूरे क्षेत्र को खूब सजाकर एक अलग ही रूप दिया जाता है। मेडारम यात्रा को समक्का सारक्का यात्रा के रूप में भी जाना जाता है। 12वीं सदी में एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ काकतीय शासकों के विरुद्ध एक माँ और बेटी समक्का और सरलम्मा ने पूरी निडरता और बहादुरी से लड़ाई लड़ी। मेडारम यात्रा का इतिहास समक्का के साथ शुरू होता है, जो कोया आदिवासियों के सरदार मीडा राजू को जंगल में मिली थी। मीडा राजू ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी शादी पगड़ी गिड़ा राजू से कर दी। पगड़ी गिड़ा और सम्मक्का की दो लड़की सरलम्मा नागुलखा और एक बेटा जामपणा हुए। पगड़ी गिड़ा राजू का गांव काकतीय शासकों की जागीर था। गरीब और सीधे साधे आदिवासी नियमित रूप से काकतीय शासकों द्वारा लगाए जाने वाले करों का भुगतान करते थे। उन्हीं दिनों इस क्षेत्र में अकाल पड़ा और खाद्यान्न की काफी कमी हो गई। बावजूद इसके काकतीय राजा ने बिना इसकी चिंता किए आदिवासियों पर और ज्यादा कर थोप दिया।
पगड़ीगिड़ा राजू के नेतृत्व में कोया आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। इसके जवाब में काकतिया शासकों ने मेदारम पर आक्रमण कर दिया। काकतिया शासकों की तुलना में काफी कमजोर होने के बावजूद पगड़ीगिड़ा राजू ने लड़ाई जारी रखी। लड़ाई में राजू की पत्नी सम्मक्का भी अपने बच्चों के साथ शामिल हो गई। दरअसल सम्मक्का एक बहादुर योद्धा थी। युद्ध में अपने पूरे परिवार को खो देने के बाद भी सम्मक्का ने लड़ाई जारी रखी। शोक मनाने के बजाय उन्होंने अपने समुदाय की रक्षा की। एक बर्बर शासन की क्रूर नीति के खिलाफ लड़ते हुए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और चिलकाल गुट्टा पहाड़ियों में गायब हो गईं। जब स्थानीय लोगों ने जंगल में सम्मक्का को ढूंढने की कोशिश की, तब उन्हें कुमकुम की डिबिया के अलावा कुछ नहीं मिला। तभी से आदिवासियों के बीच ये मान्यता बन गई कि सम्मक्का उनकी रक्षा के लिए देवी बन गई। करीब 800 साल पहले से सम्मक्का अपनी बेटी के साथ मेदारम में पूजी जाती है। दिस इज ए बाईएनुअल इवेंट। ट्राइबल्स बिलीव दैट डाइटीज विल बी हियर एंड दे विल बी ब्रिंगिंग दिस डाइटीज फ्रॉम 4 डिफरेंट टेंपल्स हिलॉक्स। ऑल द प्रीस्ट्स आर फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम द सेम क्लैन। सम्मक्का की बहादुरी की ये कहानी आज भी देशवासियों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और उनका डटकर मुकाबला करने की सीख देती है। इट इज नॉट ए बिग टेम्पल, इट्स ए स्मॉल टेम्पल विदाउट एनी कवर, वेयर इन द आइडल्स आर ट्रीज, दे आर ट्रीज, इट्स एन ओपन टू स्काई, सो इट्स ए डिफरेंट कल्चर। हिंदू पंचांग के मुताबिक यात्रा का पहला दिन माघ पूर्णिमा के दिन पड़ता है। इस दिन सरलम्मा के प्रतीक चिन्हों को काने पाड़ी से मेदारम लाया जाता है। पगड़ीगिड़ा राजू की मूर्ति को भी कोतगुड़ा मंडल के पूर्ण गोंडला से मेदारम लाया जाता है। उत्सव के दूसरे दिन चिलकाल गुट्टा की पहाड़ी पर कोया जनजाति के पुजारियों द्वारा एक लंबी गुप्त प्रार्थना के बाद सम्मक्का की मूर्ति और वहां रखी गई सिंदूर की डिबिया को मेदारम लाया जाता है। इसके साथ ही सम्मक्का के दामाद गोविंद राजू की मूर्ति को भी कुंडई से मेदारम लाया जाता है, जो वहां से करीब 66 किलोमीटर दूर है। इसके बाद आता है यात्रा का तीसरा दिन और इस दिन सम्मक्का और सारक्का की मूर्तियों के साथ साथ पगड़ीगिड़ा राजू और गोविंदा राजू की पूजा की जाती है। आमतौर पर इस दिन भक्तों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। यह बहुत पुण्य क्षेत्र प्लेस है। यहाँ पे जो भी किधर की पूरा किधर के वाले के आते इधर माता जी को प्रार्थना करके जाते हैं, उन लोग का जो मन्नत है भरपूर हो जाता है। I came here to fulfill the Mata Rani's wish. From 13 years onwards, I don't have any kids. So, for Mata Rani, Mediaram Sammakka Sarakka, she gave me kids after 13 years. माता जी के पास 20 साल से आ रहे, आपको पूरा ठीक करेगा माता को। सब लोग को अच्छा देखना, पूरा दुनिया परिवार भी अच्छा देखना है बोल के माता को हम इच्छा मांग रहे।
इस दिन देवी देवताओं के सम्मान में भक्त अपने सिर भी मुंडवाते हैं। चौथे दिन ये यात्रा तलुला वन प्रवेश के साथ समाप्त होती है। जब कुमकुम की डिबिया को वापस चिलकाल गुट्टा की पहाड़ी पर ले जाकर अगली यात्रा तक के लिए रख दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मेडारम यात्रा में दो तरह के भक्त आते हैं, एक वो जो शुद्ध रूप से पवित्र स्थान की झलक देखने के मकसद से आते हैं, जबकि दूसरे वो जो तीर्थाटन के उद्देश्य से आते हैं। श्रद्धालु अस्थाई और स्थाई दोनों तरह की सुविधाओं में रहते हैं, अपना खाना बनाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, इसके साथ ही धार्मिक क्रियाकलापों में स्वैच्छिक योगदान भी देते हैं। हमारा सर्विस क्या है कि माइंड रेस्क्यू सर्विसेज है, सेफ्टी डिपार्टमेंट का कोई हेड इंजरीज रहता है, कोई हार्ट स्ट्रोक वाला रहता है, कोई डिहाइड्रेशन वाला रहता है, उनको फर्स्ट एड देके हॉस्पिटल को शिफ्ट करेंगे। सब मिलके जुलके हम काम करते, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हमको अच्छा लगता, 10 दिन अच्छा लगता, अच्छा रह के हम ऑफिस से चले जाते। हमको कितना आदमी भी खाना बनाने को मन नहीं दुखता और बनाना बोल के अच्छा लगता, और जो भी मन्नत मांगा वो पक्का कर देते। लोग अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद आभार व्यक्त करने के लिए भी यात्रा में शामिल होते हैं। वे कई तरह के प्रसाद देवी को चढ़ाते हैं, जिनमें सबसे आम है गुड़, जिसे स्थानीय भाषा में बंगारम कहते हैं और इसे सोने का प्रतीक माना जाता है। प्रसाद के तौर पर नारियल को भी चढ़ाया जाता है। जिन लोगों की मनोकामना पूरी होती है वे अपने शरीर के भार के बराबर गुड़ का भोग लगाते हैं। आदिवासी लोग देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पशु की बलि भी देते हैं। श्रद्धालु लोग जामपणा वागू की धारा में स्नान भी करते हैं। जामपणा वागू सम्मक्का के पुत्र के नाम पर है। भक्तों का मानना है कि हर किसी को एक बार अपने जीवन काल में इस पवित्र जगह पर जरूर आना चाहिए। मेडारम यात्रा की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसे तेलंगाना का राजकीय पर्व घोषित करने की मांग भी उठ रही है। टू सेलिब्रेट द मेडारम फेस्टिवल दिस ईयर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज रिलीज्ड 2.5 करोर्स टू तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग द फेस्टिवल। आई ऑल्सो कंग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स दोज आर टायरलेसली वर्कड फॉर दिस फेस्टिवल फॉर सक्सेस। इस वर्ष राज्य पर्यटन विभाग ने पूरे भारत से आने वाले लोगों की सुविधा के लिए एक बहुस्तरीय योजना बनाई। दिस ईयर गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड 85 करोड़ टुवर्ड्स यात्रा, वेयर इन मोस्ट ऑफ द अमाउंट इज स्पेंट टुवर्ड क्रिएटिंग परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑन एन एवरेज 15-20 lakh पीपल will be stationed here during Jatra days, and a small village with a population of 1500 will now have 10-12 lakh population stationed here during peak days. इसके तहत ज्यादा से ज्यादा भक्तों और यात्रियों को लाने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू की गई। प्रशासन ने भक्तों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए 4000 से ज्यादा बसों को तैनात किया था। Totally 990 buses will be operated from this city. In the return journey at Medaram, we have put up a base camp in about 50 acres of land. Around 12,200 employees of TSRTC are involved in this special operations. इसके अलावा रामप्पा मंदिर, जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, उससे मात्र 1 घंटे की दूरी पर स्थित होने के कारण सरकार इसे प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है। The government of India under leadership of the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has extended all possible support to preserve and promote the cultural heritage
and traditional of our country. इस वर्ष की मेडारम यात्रा अपनी पूरी भव्यता और गरिमा के साथ संपन्न हो चुकी है। इसे देखते हुए ये कयास लगाए जा सकते हैं कि हर आने वाली यात्रा के साथ ये उत्सव और विस्तृत, भव्य और सफल होता चला जाएगा।